Once again, very good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry by Sanjay Roy. Now we can start with the periodic classification of elements. So, पिछले क्लास में हमने Mendeleev periodic table के बारे में देखा था. He can arrange the element according to their increasing order of atomic mass number, but later on he can change the statement and say elements are arranged according to their physical and chemical property rather than atomic mass, because atomic mass are not known exactly, and he can arrange the element in different groups and periods. Vertical column is called as group, horizontal row is called as period. तो वहाँ तक हमने चीजों को देखा था. Even we can find out some of the places where Mendeleev can assign their atomic mass, but elements are not there. And in some places he can assign the element, but their exact nature are not known. Means exactly these elements are we can say that actual name is not known at that time. That kind of element also he can mention. तो हमने दो क्वेश्चन को हमने क्या किया था, सॉल्व किया है. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. तो लेट्स स्टार्ट विद द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. सो लेट फर्स्ट बिगिन विद द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स क्या था, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं. एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट वेर रिवाइज्ड सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल. उसने क्या किया है, एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया, मतलब पहले जो था अलग था, बाद में उसने जो लिया अलग लिया. फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम एक एलिमेंट है जिसका प्रीवियस एटॉमिक मास कितना था, 14.09, दैट कैन बी प्रेडिक्टेड एट दैट टाइम, राइट. और एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, That is, its boron is 11, right? So, अगर हम लोग यहाँ पे वापस आते periodic table पे, तुमने एक चीज observe किया है कि हम लोग जब series देखते, पहले lithium है, beryllium है, फिर boron है. तो series में क्या है, lithium, beryllium, boron, then carbon, nitrogen and oxygen, then fluorine. ये कुछ sequence हमको देखने को मिलेगा, right? हम लोग इसको एक बार देखते अच्छे से. तो ये एक हमारे पास सीक्वेंस है, देखो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में लिथियम बेरिलियम बोरॉन. तो अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास 14 होता है अप्रॉक्स, और बोरॉन का एटॉमिक मास 11 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, इसका 16 है, ठीक है, सो ऑन. तो यहाँ पे बेरिलियम बोरॉन को पहले होना चाहिए था, बेरिलियम को बाद में होना चाहिए था, है ना, क्योंकि उसने क्या बोला था, एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास नंबर, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. तो ऐसा होना चाहिए था एक्चुअली, बट ऐसा नहीं हो रहा है. तो उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, बेरिलियम के मास को क्या किया, रिवाइज किया, उसके फिर से उसकी प्रॉपर्टी को उसने स्टडी किया. एंड जब उसने फिर से उसका मास मेजर किया तो उसको मास कुछ अलग मिला. नाउ द रिवाइज एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 9. इतना उसका रिवाइज एटॉमिक मास 9 आया. मतलब अभी अगर बेरिलियम का 9 है तो बोरॉन का 11 है, तो ये एक सीरीज हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं. तो उसने क्या किया है, अपने कंसेप्ट को प्रूफ करने के लिए उसने क्या किया, कुछ चीजों को फिर से रिवाइज किया है, जस्ट लाइक एटॉमिक मास. और उसने देखा है कि प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 14, बट आफ्टर रिवाइज इट बिकम 9, एंड दैट्स व्हाई बेरिलियम कैन प्लेस बिफोर बोरॉन. तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल को इससे क्या किया, जस्टिफाई किया. नाउ मूव ऑन टू सेकंड मेरिट्स. Mendeleev kept vacant places in a periodic table for elements not discovered till then. Mendeleev ने क्या किया था, कुछ vacant places रखा है अपने periodic table में ऐसे elements के लिए जो उस time पे discover नहीं हुए थे. And he also predict the property of that element. उसने उस element की property को भी क्या predict किया कि नहीं, in future ऐसे कोई elements आएंगे, उसकी property उसने पहले से बता दिया. इतना advanced था वो Mendeleev. सोचो कितना दिमाग वाला होगा कि जो चीज है नहीं उसके बारे में बता दिया, नहीं एक जमाने में होगा, इन फ्यूचर ऐसा कुछ आएगा जिसकी प्रॉपर्टी मैं अभी से बता रहा हूं वो तब सही होगा करके, इतना उसमें कॉन्फिडेंस था. और बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, जब वो एलिमेंट्स एक्चुअली में डिस्कवर हुए तो उसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम थी जो प्रॉपर्टी
उस समय में मेंडेलियव ने दिया था। तो वैसे कौन से तीन एलिमेंट्स थे? तो अब यहाँ पे याद करो, हमने जो पिछले वीडियो में एक्टिविटी किया था कि मेंडेलियव रिएक्टिवल में ऐसे तीन एटॉमिक मास नंबर फाइंड आउट करो जिसके सिंबल के सामने, जिसका सिंबल नहीं है सिर्फ एटॉमिक मास, हमने फाइंड आउट किया था उनका एटॉमिक मास 44, 68 एंड 72। अब उसने उसको उस समय के लिए नाम दिया था, तो उसने तीन एलिमेंट जो उस समय में बताया था कि ऐसे तीन एलिमेंट्स है, कौन-कौन से थे? फर्स्ट एलिमेंट इज बोरॉन, एका बोरॉन, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू बोरॉन। सेकंड एल्यूमिनियम, उसको क्या बोला था? एका एल्यूमिनियम। एंड थर्ड वन इज सिलिकॉन, जिसको क्या बोला? एका सिलिकॉन। दैट इज एटॉमिक मास नंबर 44, 68, 72। एंड जब लेटर ऑन ये एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं तब उसका एक्चुअल नाम एका बोरेन, नाउअडेज इट इज कॉल्ड एज स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम, नाउ इट इज कॉल्ड एज गैलियम। एंड एका सिलिकॉन, नाउ इट इज कॉल्ड एज जर्मेनियम। देखो बोरॉन की वैलेंसी तीन है, स्कैंडियम की वैलेंसी भी क्या आएगी तुम्हारी? तीन है। तुमने देखा होगा स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, राइट? तो सेम है। तो तीन उसने वैकेंट प्लेसेस रखा था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और बाद में डिस्कवर होने के बाद ये कभी कभी पूछ लेता है एका बोरॉन, अब इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम को क्या बोला जाता है? गैलियम। और एका सिलिकॉन को मॉडर्न प्रिडिक्टेबल में कौन सा प्लेस मिल गया है? जर्मेनियम। एक बार यहाँ पे देख लो, हम लोग फिर से इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको क्या बोलते हैं? एका बोरॉन, राइट? ये एका एल्यूमिनियम और क्या? एका सिलिकॉन। ये तीनों के प्लेसेस अभी क्या हो गए? ऑक्यूपाई हो गए। नाउ अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में देखो, इस स्लाइड में अगर हम लोग देखते हैं तो कंपेरिजन एक दिया हुआ है, अगर हम लोग उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी एका एल्यूमिनियम, नाउअडेज इट इज कॉल्ड एज गैलियम, दोनों की प्रॉपर्टी को मैच करो। एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम इज 68, एटॉमिक मास ऑफ द गैलियम इज कितना है? 69.7। डेंसिटी एका एल्यूमिनियम जो पहले प्रेडिक्ट हुआ था कितना है? 5.9। नाउ अभी नई डेंसिटी गैलियम की कितना है? 5.94। नियरली सेम है, राइट? ये मास भी नियरली सेम है लेकिन डेंसिटी तो एग्जैक्टली सेम बोल सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट लो, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो है। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 GaCl3, मतलब E मतलब एलिमेंट, तो जो भी एलिमेंट से एका एल्यूमिनियम वैलेंसी तीन है, क्लोरीन की वैलेंसी वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ECl3 बन जाता है। अब गैलियम की वैलेंसी भी तीन है तो मतलब दोनों की प्रॉपर्टी सेम हुआ। ऑक्साइड E2O3 और गैलियम की ऑक्साइड क्या है? G2O3। दोनों का नेचर क्या है? एम्पोटेरिक। एम्पोटेरिक मतलब जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता और बेसिक भी शो करता, उसको क्या बोलते हैं? एम्पोटेरिक। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एम्पोटेरिक, राइट? तो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक, दिस इज द सेकंड मेरिट्स ऑफ मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल। तो पहला उसने मैथ्स को रिवाइज किया, सेकंड उसने कुछ वैकेंट प्लेसेस रखे और बाद में वहां पे एलिमेंट्स का भी क्या हुआ? डिस्कवरी हो गया, राइट? थर्ड वन, there was no place reserved for noble gases in Mendeleev's original periodic table. However, when noble gases discovered, Mendeleev created a zero group without disturbing the original periodic table. Right? So at the time of Mendeleev, वहाँ पे noble gases discover नहीं हुए थे, लेकिन later on जब noble gas का discovery हुआ है, तो Mendeleev ने अपने वहाँ पे क्या किया? एक separate group तैयार किया है और वहाँ पे noble gas को रखा है without disturbing the periodic table, and that is the third and biggest advantage of Mendeleev periodic table, right? So these are the three merits of Mendeleev periodic table. एक बार हम उसको revise कर लेते हैं। First, he can revise the atomic mass. Example में क्या लेना है? Beryllium वाला। Second, he can place some vacant spaces for the element which are not discovered at the time. He also predict the properties of that element. And third, at the time of Mendeleev periodic table, noble gases are not discovered, but once it can discovered, it can be placed into separate group. उसने पहले जगह नहीं रखा था, but it can create a separate group as a zero group for that noble gases. So these are the merits of Mendeleev periodic table. I hope you can understand all the merits. If you face any difficulty, please feel free to comments on my YouTube channel. Right? I am surely answer your questions. Now next we move on the डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियव पीरियड टेबल, बिकॉज हमने देखा है किसी चीज का अगर तुम्हारा अच्छा होता है तो उसकी कुछ बुराई भी होती है। हमेशा अच्छा रहा ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज अच्छी है तो उसकी बुराई भी होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से डिमेरिट्स है मेंडेलियव पीरियड टेबल के, वो और
डीमेरिट से इसलिए हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ा. तो लेट सी डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल. सो देयर आर सम डीमेरिट्स. द होल एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम, देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर पोजीशन. अब हमने क्या देखा है कि मेंडेलियन ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया. पहला पॉइंट क्या था, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर, बराबर है. लेकिन जब उसने अरेंज किया तो यहां पे क्या पता चल रहा है कि कोबाल्ट और निकेल ऐसे एलिमेंट है जिसका होल एटॉमिक मास, मतलब अगर हम लोग राउंड फिगर लेते हैं, जैसे अगर हम लोग 49.9 को 50 लेते हैं, 49.6 को भी हम लोग क्या लेते हैं 50 लेते हैं, तो राउंड फिगर अगर हम लोग मास देखें तो यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल का मास सेम है. तो क्या उनका पोजीशन का एम्बिग्यूटी, मतलब वहां पे कंफ्यूज है कि हम लोग रखे का दोनों को साथ में रखे कि दोनों को अलग अलग रखे, ये प्रॉब्लम मेंडेलियन ने सॉल्व नहीं कर पाया है. तो यहाँ पे हम लोग उसके पीरियड टेबल पे देखते हैं. तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट और निकेल दोनों का जो एटॉमिक मास है सेम है, तब उनका एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ रखना है वहां पे मेंडेलियन कंफ्यूज हो गया है. जबकि मॉडर्न में दोनों को अलग अलग पोजीशन रखा गया है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड टेबल का अजम्पशन ही टोटली डिफरेंट हम लोग देखेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक और डिमेरिट्स ऑफ द मेंडेलियन पीरियड टेबल की द होल एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम, देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर पोजीशन. सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोटोप. जो अगर हम लोग लेते थे आइसोटोप मतलब क्या होता है, राइट, आइसोटोप मींस व्हाट, द आइसोटोप मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट देखेंगे आइसोटोप क्या होता है. तो आइसोटोप मतलब क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है. तो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है, 1-1, 1-2, 1-3, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम. क्लोरीन के दो आइसोटोप है, 1735 क्लोरीन 1737. तो दोनों का आइसोटोप का मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट है बट आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है. तो अगर हम लोग मेंडेलियन का अजम्पशन अगर देखते हैं, उसने क्या बोला था कि मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी वाइज देखिए दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो उसको सेम प्लेस मिलना चाहिए. दूसरा अगर हम लोग उसका फर्स्ट अजम्पशन देखते हैं कि एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर, तो दोनों का मास नंबर अलग अलग है. तो यहाँ पे भी मेंडेलियन क्या हो गया, तुम्हारा कंफ्यूज हो गया एंड ही unable to answer this question. So say this is the second drawback, ki where we can place isotope can get separate position or it can get same position, that cannot be decided by Mendeleev. So yahan pe dekho usko decide nahi kar paya hai, right? When elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. जब उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर पे रखा तो जो मास नंबर बढ़ने का तरीका है वो यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म मतलब कैसे होता है, जैसे मान लो कोई 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म वे से जा रहा है. जैसे मंडे के बाद क्या था, ट्यूजडे, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, राइट. लेकिन यहाँ पे मास नंबर इंक्रीजिंग क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे यूनिफॉर्म में भी नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब बीच बीच में क्या है तुम्हारे गैप्स आ रहे हैं. जस्ट एक बार देखते हैं हम लोग इस चीज को. यहाँ पे देखो टिटेनियम 48, उसके बाद क्या होना चाहिए था, 49, 50, 51 होना चाहिए था. तो यहाँ पे 49, 50 मिसिंग है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि दो एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हम लोग वहां पे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे. जैसे क्रोमियम के बाद मैग्नीज, बीच में तीन गायब है, कौन से है नहीं पता है, क्या है उसके बारे में नहीं पता है. तो ये जो मास नंबर वाइज हम लोग अरेंज भी कर रहे हैं तो ये किस टाइप से अरेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, और उसके कारण तकलीफ का हो रहा है. देखो इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन दिस टू एलिमेंट, मतलब वो दो एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट्स होंगे, डिस्कवरी होगी नहीं होगी, वो सब भी डिसाइड नहीं कर पाया. तो दैट इज ऑल्सो द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल. लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है, इट कैन शो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल एंड इट कैन शो प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन. हैलोजन की प्रॉपर्टी भी शो करता है, इवन इट कैन शो प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल. अब जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं,
सो हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विथ हैलोजन, वो हैलोजन जैसा शो करता है ग्रुप 17. हाइड्रोजन डायटोमिक है, हैलोजन भी क्या डायटोमिक है. इट कैन शो प्रॉपर्टी लाइक अ अल्कली मेटल. जैसे हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर रहा है, यहां पे देखते हैं हम लोग HCl. हाइड्रोजन एक क्लोरीन ले रहा है, तो सोडियम भी अल्कली मेटल भी एक ही क्लोरीन ले रहा है. हाइड्रोजन ऑक्साइड जब फॉर्म कर रहा है तो दो हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं. सोडियम भी जब ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो दो सोडियम यूज कर रहा है. हाइड्रोजन जब सल्फाइड फॉर्म करता है तो एक सल्फर यूज करता है. यहां पे भी सोडियम भी क्या कर रहा है, एक सल्फर. मतलब हाइड्रोजन और अल्कली मेटल की प्रॉपर्टी सेम है और हाइड्रोजन और हैलोजन की भी प्रॉपर्टी सेम है. जैसे यहां पे देखो हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, हैलोजन भी डायटोमिक है. यहां पे सोडियम क्या कर रहा है, हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है. सोडियम क्या कर रहा है, क्लोराइड फॉर्म कर रहा है. मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है. कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन चार क्लोरीन. मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का प्रॉपर्टी सेम है और यहाँ पे हाइड्रोजन और सोडियम का प्रॉपर्टी भी सेम है. मतलब हाइड्रोजन कैन रिसेम्बल विद द अल्कली मेटल एंड ऑल्सो इट कैन रिसेम्बल विद द हैलोजन. सो वन कंसिडरिंग द अबव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिसाइडेड वेदर द करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन मेंडल ग्रुप टेबल. हाइड्रोजन को एक्चुअली कहाँ रखेंगे हम लोग, अल्कली मेटल में रखेंगे कि हाइड्रोजन को हम लोग हैलोजन में रखेंगे, उसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाया. तो एक बार फिर से देख लेते क्या क्या डिमेरिट्स हैं. होल एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल था सेम, तो उसका पोजीशन नहीं बता पाया. आइसोटोप का पोजीशन उसने प्रॉपर नहीं बता पाया. इवन उसने हाइड्रोजन का प्रॉपर पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो दीज आर द सर्टन डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल. तो आज के वीडियो में हमने ज्यादातर स्टडी पीपीटी से किया बिकॉज यही पे था, ज्यादा कुछ समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे नहीं था. दैट्स व्हाई आई कैन प्रीफर दिस मेथड. आई होप यू कैन लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो, राइट. इफ यू एंजॉय माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेल टू योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई कैन प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ वीडियो टुवर्ड्स यू, राइट. सो आज हम लोग यही पे खत्म कर रहे हैं मेंडेलियन को. नाउ नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, उसको हमको बहुत अच्छे से स्टडी करना है. तो प्लीज स्टे ट्यून, राइट. हम लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट. तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और अपनी पढ़ाई शुरू रखिए. प्लीज पढ़ाई को बंद मत कीजिए. कोरोना के कारण हमारा पढ़ाई बंद, स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन हम लोग ये कनेक्टिविटी हमेशा बनाए रखेंगे बिकॉज टेक्नोलॉजी इतना है कि हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना. समझ में आया. तो आज हम लोग यही पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.